नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटिन भानु और आपका चैनल एडवरटेक्स पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट टाइम हम लोग बायचांस देख रहे थे और वहां पर लैपटॉप मेरा गर्म हो गया था, बंद करना पड़ गया था। ठीक है, तो हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। उसमें थोड़ी सी एक मतलब छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, डायग्राम जो है वो थोड़ा उल्टा बन गया था। ठीक, उसको भी यहाँ करेक्ट करेंगे और बायचांस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेजर्ट वाले को ख़त्म करेंगे लैंडफॉर्म्स को और फिर वाटर वाले लैंडफॉर्म को, रिवर वाले लैंडफॉर्म्स पर हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पहले तो बायचांस में आपको पहला चीज़ ये याद रखना है कि ये क्रिसेंट और मून शेप्ड होता है। क्रिसेंट कैसा होता है? ये क्रिसेंट, ये भी ये मून शेप्ड। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं ऐसा ही मतलब फुल मून नहीं है, फुल मून होता तो फिर वो गोल हो जाता, बट ऐसा शेप है इसलिए हम लोग ऐसा ही मून दिखा रहे हैं। ठीक है, ईद का चांद जो कहते हैं ना, वैसा ही कुछ। ठीक, तो आइए इसका फोटो देखते हैं, फोटो से ही हम लोग समझते चलते हैं। इसमें क्या होता है कि विंड का डायरेक्शन, इधर से विंड आ रही है। ठीक, तो ये क्या कर रहा होगा, डस्ट को कैरी कर रहा होगा। डस्ट को ये लोग सैंड को और जो भी होते हैं पार्टिकल्स होते हैं उसको कैरी कर रहा होगा। इसको यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा मित्रों? ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। कैसा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? कुछ भी हो सकता है जो उसको थोड़ा इफेक्ट कर रहा हो अपना। मान लीजिए वेजिटेशन हो सकता है या फिर कोई पत्थर जैसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लांट टाइप का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उतना डिटेल नहीं जाते हैं, बस मान के चलिए ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये क्या होता है कि ऐसा जो है वो शेप बना के बालू बैठ जाता है यहाँ पे। ठीक, अब इसकी क्या खास बातें हैं, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपने को देखना है। पॉइंट्स पे हम लोग आएंगे, पॉइंट्स पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं चीज़ को। चूंकि इधर से विंड आ रही है तो ये विंडवर्ड साइड हो गया, ये हो गया लीवर्ड साइड। ठीक है, ये विंडवर्ड साइड एंड दिस वन इज लीवर्ड साइड। विंड के डायरेक्शन में वहीं पे हमने गलती किया था कि मैंने ऐसा बना दिया था और ऐसा विंड का डायरेक्शन था। तो विंड का डायरेक्शन में बनेगा मतलब कि ये ऐसा नहीं, ऐसा बनेगा, है ना। तो क्या करते हैं कि विंड के डायरेक्शन में ये ऐसा फैला हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसा हॉर्न जो है इसके वो पतले होते हुए विंड के डायरेक्शन में मिलेंगे। विंड का डायरेक्शन किधर है वैसा ही हॉर्न का भी डायरेक्शन ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो आप समझ सकते हैं कि अगर विंड इधर से आ रहा है तो इसके अगेंस्ट में तो हॉर्न नहीं बन सकता है ना। अगर अगेंस्ट बनेगा तो उसको उड़ा के लेकर चला जाएगा विंड। ठीक है, तो उसके अपोजिट में ही बन सकता है। कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में उसको बनना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़, इनिशियली हो सकता है कि ये वाला जो साइड है स्टीप है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, हॉर्न्स वाली बात हो गई। ये वाला साइड जो है लीवर्ड साइड जो है वो स्टीप है, ये वाला जो है वो जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप है यहाँ पे। क्यों जेंटल स्लोप है? इसमें क्या हो रहा होगा कि इनिशियली हो सकता है इतना स्लोप ना रहा हो, बट धीरे धीरे क्या होगा, और डिपोजिशन। अब ये लीवर्ड साइड पर डिपोजिशन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो बैरियर है, कुछ तो बैरियर था, बात हम लोग कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर डिपोजिशन करता जाएगा तो यहाँ पर जेंटल स्लोप निकल के आता है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये धीरे धीरे जो है वो आगे की तरफ भी मूव करती है, जिसको हम लोग एडवांसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवांसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी ये खास बातें हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पर, स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा यूपीएससी में स्टेटमेंट टाइप का बात तो होता ही है। यहाँ देखिए, पहले तो ये लाइव ड्यून है, इंडिविजुअल हो सकता है या फिर ग्रुप में हो सकता है। कहाँ पर कॉमन है? सहारा में, अफ्रीका और तुर्किस्तान, सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स जब मिलता है, कैसा ऑब्स्टेकल? ग्रास पैच हो, रॉक हीप हो। ठीक है, एंड ओकर ट्रेवर्सली। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेवर्सली वर्ड का क्या मतलब होता है? ट्रेवर्सली वर्ड का मतलब होता है कि विंड ऐसे जा रही है और ये ऐसा मिल जाए उसको। ठीक है, ये अगर ऐसा नहीं हो करके, ये अगर ऐसा होता तो इसको ट्रेवर्सली नहीं बोलते हैं। ठीक है, ट्रेवर्सली इस मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। आगे भी ये वर्ड्स आएंगे तो ये वर्ड का मतलब ध्यान रखिएगा। ठीक, हॉर्न्स थिन आउट बिकम लोअर इन डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यू टू फ्रिक्शनल रिटार्डेशन अराउंड एजेस। ठीक है, अब इतना फिजिक्स में नहीं जाना है, आप समझिए कि हॉर्न्स जो है वो थिन आउट होते हैं, बिकम्स लोअर इन डायरेक्शन ऑफ द विंड, यहाँ तक काफ़ी है। विंडवर्ड साइड कॉन्वेक्स होता है, जेंटल स्लोपिंग होता है, हम लोग देख चुके हैं। विंडवर्ड साइड जो इस आ रहा था वो
कॉन्वेक्स था और जेंटल स्लोप था, जेंटल स्लोप वाला सेक्शन था कॉन्वेक्स था। कॉन्वेक्स कॉन्केव का आपको कॉन्सेप्ट पता हो, कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ये सब हमारे फिजिक्स में आते हैं। मतलब आई थिंक 9th-10th के ही फिजिक्स में ये सब चीज़ आ जाता है, होपफुली आपने पढ़ा होगा। बाकी मैं शेप के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज कॉन्वेक्स, दिस शेप, एंड इसी शेप को अगर इस साइड से देखेंगे तो ये कॉनकेव आ जाएगा। कॉनकेव कैसे याद रखेंगे, इधर क्या हो रहा है, केव बन रहा है ना, गड्ढा सा बन रहा है, केव बन रहा है, इसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट वाला जो बल्जिंग आउट वाला सेक्शन पार्ट है उसको हम लोग कन्वेक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि विनवर्ड साइड में कॉन्वेक्स बनेगा यानी कि बल्जिंग आउट बनेगा। ऑब्वियसली हम लोग ये देख चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए ना यहाँ पे, ये है ना ऐसा कॉन्वेक्स, इधर से कॉन्वेक्स हो गया और इधर से कॉनकेव हो गया, ठीक है, कॉन्वेक्स होगा। सैंड इज ड्रिवन अप ऑन दिस साइड, ठीक है, इसी साइड पे सैंड आता जाएगा और वो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। लीवर्ड साइड क्या, अपोजिट साइड, जो विंडवर्ड साइड का अपोजिट क्या होता है, लीवर्ड साइड होता है। माउंटेन में भी आएगा, मैंने वेस्टर्न घाट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि, या फिर एटाकामा कह रहा हूँ, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, तो उसमें एक विंडवर्ड साइड होता है, एक लीवर्ड साइड होता है। तो विंडवर्ड साइड कहने का क्या मतलब है कि जिधर से हवा आ रहा है वो विंडवर्ड साइड हो गया, और दूसरी साइड वाला जो है वो लीवर्ड साइड हो गया, ठीक है। हम लोग सुनते हैं ना मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, लेकिन पूरा महाराष्ट्र में बहुत बारिश नहीं होता, विदर्भ वगैरह तो सूखा ही पड़ा हुआ रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक पोर्शन है जो वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न जो घाट है वो विंडवर्ड साइड पे आता है, जो साउथ वेस्ट मानसून जब हिट मारती है तो पानी वहाँ पे ज़्यादा होता है, और विदर्भ जो है वो लीवर्ड साइड पे पड़ता है और वहाँ तक हवा पहुँचते पहुँचते अपना सारा मॉइस्चर लूज कर चुका होता है वहाँ, इसलिए वहाँ पर सुनते हैं हम लोग सूखा पड़ता है। विदर्भ इज़ वन ऑफ द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, तो वो जब आएंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। लीवर्ड साइड कॉन्केव है, स्टीप है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्टीप है और कॉन्केव तो हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं। सैंड स्लिप्स डाउन द लीवर्ड साइड, ठीक है, इसमें चढ़ाई करता है, इसमें ये उतराई करता है। एडवांसमेंट कैन बी 25-50 feet अ ईयर, ठीक है, मैंने बोला था ना ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आगे की ओर मूव करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांसमेंट बोल देते हैं, ठीक है। 25-50 feet जो है वो हर साल मूव करता है डिपेंडिंग ऑन द हाइट, ऑब्वियसली अब ज़्यादा बड़ा होगा तो वो स्लो मूव करेगा, हल्का होगा तो वो तेज मूव करेगा, ठीक है। लॉन्ग रूटेड सैंड होल्डिंग ट्रीज एंड ग्रास आर प्लांटेड टू चेक द एडवांसमेंट ऑफ द ड्यून्स एंड प्रिवेंट फर्टाइल लैंड फ्रॉम डिवास्टेशन, ठीक है। अभी क्या है कि कोई यहाँ पर ये रेगिस्तान वाला एरिया था और मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फसल हो रहा है, ठीक है, दिस इज सैंड एंड दिस इज खेत, ठीक है, इधर खेत है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि एक भाई साहब अपने ड्यून जो है वो इधर मूव करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अब इसको तो रोकना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे बल बल पूरा हो जाएगा। तो इस केस के लिए क्या करते हैं कि सैंड होल्डिंग ट्रीज और ग्लास प्लांट करते हैं ताकि हम उस चीज़ को बचा सकें। आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा ये आपका बना हुआ है, ठीक है, दिस इज लीवर्ड साइड, दिस इज विंडवर्ड साइड, और ये जो है धीरे धीरे इधर की ओर घसकता रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लोएस। लोएस क्या है, लोएस को मैं पहले बताता हूँ फिर हम लोग स्टेटमेंट पे चलेंगे, ठीक है। लोएस में क्या होता है कि लोएस में आपका कोई डेजर्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसका कुछ इधर एरिया होगा, कुछ एक इधर एरिया होगा, ये बात हम थोड़ा पहले भी कर चुके हैं। अब इससे जो सैंड है वो अब कभी हवा इधर चलेगा, कभी हवा इधर चलेगा, कभी हवा इधर चलेगा, तो ये क्या होगा, ये उठ के यहाँ डिपॉजिट मारेगा, ये उठ के यहाँ डिपॉजिट मारेगा, ये उठ के यहाँ डिपॉजिट मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट होने के बाद जो एक लैंड ये बनता है, क्या लैंडफॉर्म बनता है, उसको हम लोग लोएस बोलते हैं, ठीक, ये इसका बेसिक बात है। अब इसको थोड़ा हम लोग वर्ड्स में देख लेते हैं। वर्ड्स में क्या है कि फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट्स इज डिपॉजिटेड ऑन नेबरिंग लैंड, ठीक है। इसका एग्जांपल पहले देखिए, नॉर्थ वेस्ट चाइना, मान लीजिए चाइना कैसा दिखता है, चाइना कुछ ऐसा दिखता है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई गोबी डेजर्ट है, ठीक है, तो यहाँ से उड़ के यहाँ गोबी डेजर्ट पे पहुँचता है, हवांगो बेसिन कुछ ऐसा है, तो ये यहाँ से उड़ के यहाँ पे पड़ता है। तो नॉर्थ वेस्ट चाइना और हवांगो बेसिन में विंड बॉर्न डस्ट कम्स फ्रॉम गोबी डेजर्ट, ठीक, और इस हवांगो वाले एरिया को क्या बोलते हैं, हवांगटू बोलते हैं, जहाँ पर ये डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है, और येलो अर्थ भी बोलते हैं। तो हवांगटू और येलो अर्थ जो है वो हवांगो बेसिन में लोएस के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, अब इसमें कैसे कैसे मटेरियल्स होते हैं,
इस जो ये जो लैंडफॉर्म हुआ है, ये जो नया एक तरह का लैंडफॉर्म बना है, उसमें क्या क्या अपने को मिलता है, उसका क्या क्या मटेरियल होता है, तो वो यहाँ पे है। फाइन लूम, रिच इन लाइम, वेरी कोहरेंट, एक्सट्रीमली पोरस। ठीक है, अभी लाइम से आप याद रख सकते हैं कि लाइम स्टोन में हमने पढ़ा था ना, एक्सट्रीमली पोरस होता है, पानी सरफेस ड्रेनेज वगैरह नहीं होता है, तो वो चीज़ यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। वाटर सिंक्स इन क्विकली एंड सरफेस गेट्स ड्राई। ठीक, ये अंडरस्टूड है। कोहरेंट मतलब क्या होता है वर्ड, इस वर्ड का कोहरेंट का मतलब क्या होता है, होमोजेनस टाइप का। ठीक है, मोस्टली जो आपको जो मटेरियल्स मिलते हैं ना, होमोजेनसली एक ही जैसे सारे मिलते हैं। ठीक है, अभी इसमें एक सेंटेंस है कि स्ट्रीम्स हैव डीप कट्स थ्रू लोएस एंड बैडलैंड टोपोग्राफी में डेवलप। अब वहाँ पर अगर जैसे होवांगहो बेसिन है, तो कोई ट्रिब्यूटरी आ रहा होगा उसका, अब वो क्या करेगा कि ट्रिब्यूटरी या रिवर जो भी है वो उसको काटता हुआ चला जाएगा और वहाँ पर बैडलैंड टोपोग्राफी डेवलप हो सकता है। ठीक, इसके नाम याद रखिएगा, लिमोन जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में बोलते हैं। ठीक, और मिड वेस्ट यूएसए में क्या बोलते हैं, अडोबी बोलते हैं। ठीक, अडोबी अपने अडोबी एक्रोबैट करके है ना, पीडीएफ रीडर, राइट, तो हो सकता है ये उसका नाम यहीं से इंस्पायर हुआ हो। ठीक है मित्रों, चलो इसका डेजर्ट वाले का लास्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, डेजर्ट वाले के लास्ट पार्ट पे आते हैं, उसमें क्या है कि लैंडफॉर्म बाय एक्शन ऑफ वाटर इन डेजर्ट। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि एक्शन ऑफ वाटर अगर डेजर्ट में होता है तो क्या लैंडफॉर्म फॉर्म होता है। वैसे हमने बालू बालू से क्या होता है वो हमने देख लिया है। ठीक है, अगर पानी आ जाए डेजर्ट में तो क्या क्या फॉर्म होता है वो हम देखना चाहते हैं। अब इस चीज़ के लिए कुछ कुछ कंडीशंस, प्री कंडीशंस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि रेनफॉल कितना होना चाहिए, 5 से 10 इंच होना चाहिए। ठीक है, डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए 5 से लेस होना चाहिए। और 5 से 10 इंच के होने का मतलब क्या है, 5 इंच से लेस के लिए क्या है, डेजर्ट फॉर्मेशन, डेजर्ट में जनरली 5 इंच से कम होता है, लेकिन किसी किसी एरिया में हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी पानी होता हो, बट स्टिल डेजर्ट हो है। क्यों, कारण क्या है कि हो सकता है कि इतना पानी तो हो रहा है लेकिन थ्रू आउट द ईयर नहीं हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर में हो रहा है ना, तो वहाँ पर डेजर्ट होता है। या फिर डेजर्ट का जो आउटर एरिया सब होगा या बाउंड्री वाला एरिया होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो आसपास का जो नॉर्मल प्लेन एरिया है वहाँ से भी जो है बरसात वगैरह पहुँच जाता है। तो मिला जुला कि ये है कि रेनफॉल इस एरिया में वाटर एक्शन होने के लिए डेजर्ट में 5 से 10 इंच का यहाँ पे रेनफॉल होना चाहिए, विथ थंडर स्टॉर्म एंड टोरेंशियल डाउनपोर्स। टोरेंशियल डाउनपोर्स का मतलब क्या है कि हैवी डाउनपोर, हैवी रेन्स वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, लिटिल वेजिटेशन होना चाहिए। लिटिल वेजिटेशन होने का क्या मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम होगा वहाँ पर। दिस कैन लीड टू फ्लैश फ्लड्स। अब करामत सब इसी का है, फ्लैश फ्लड्स का ही सारा करामत है। ठीक है, अब ये फ्लैश फ्लड क्या करता है, लूज ग्रेवल्स जो है, मतलब हिल्स पे क्या होंगे, लूज ग्रेवल्स होंगे, उसको वो लेके बहना चालू कर देगा। अब वो जो मटेरियल लेके चल रहा है तो वो क्या कट करेगा, गलीज एंड रवीन्स कट करेगा। गलीज एंड रवीन्स हम लोग बात कर चुके हैं कि वो जो पहाड़ पे लाइनिंग लाइनिंग आ जाता है ना, कि कुछ बह रहा था यहाँ पे, अभी तो सूखा हुआ है बट कुछ बह रहा था, तो उसको हम लोग गलीज एंड रवीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्म करते हुए वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर बैडलैंड टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है। ये पहला लैंडफॉर्म है। ठीक है, बैडलैंड टोपोग्राफी वही बेकार ब्लीक जो भी आप याद जैसे भी याद रखें, मैंने किसी काम का वो एरिया नहीं रह जाता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, बस देखने में अच्छा लगता है कभी कभी जब बारिश होती है ना। ठीक, तो ये बैडलैंड टोपोग्राफी फॉर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब जब सब्सिक्वेंट डाउनपोर होता है, मैंने और पानी बरसता है, तो उसके बाद क्या होता है कि मिट्टी वगैरह उसमें सन जाता है फ्लैश फ्लड में बहुत ज़्यादा, और क्या बन जाता है, फ्लो लिक्विड मड बन जाता है। वो होता है ना, मिट्टी सना हुआ पानी बह रहा है, एकदम मोटा थिक टाइप का बह रहा है, दैट इज़ फ्लो लिक्विड मड जो है वो बहना शुरू कर देता है। ठीक, अब ये क्या करते हैं कि ये जो फ्लैश फ्लड था या फिर फ्लो लिक्विड मड था, जो भी अपना सामान लेके आ रहा है वो कहीं डिपोजिशन करेगा। ऑब्वियसली वो भारी सामान ऊपर से तो लेके आ रहा है ग्रेविटी का सपोर्ट प्लस वो फ्लैश फ्लड के सपोर्ट से, बट नीचे आके उसको ग्रेविटी का तो मतलब मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। ठीक है, ग्रेविटी क्या होता है ना, मतलब किसी भी चीज़ पर जो ग्रेविटी एक्ट करता है। ठीक है, अब ये अर्थ का सरफेस है और ये चीज़ यहाँ पर है और एक चीज़ यहाँ पर है, मतलब कि ये नज़दीक है ये दूर है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो होगा अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर देखेंगे थोड़ा सा फिजिक्स से, थोड़ा मतलब जस्ट आपको समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, एम जी एच होता है।
ठीक, और यहाँ पर जो होगा एम जी एच होगा, ठीक। एम क्या है, इसका मास है, सेम मास, मान लेते दोनों का मास सेम था, एक ही बराबर मास था, तो मास सेम है, ग्रेविटी भी सेम होगा, जी इज कांस्टेंट, ये सेम होता है। हाइट जो है वो ये 1 है, ये हाइट 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है कि हाइट इसका ज़्यादा है, तो इसका इस वाले का, ऊपर वाले का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। जब वो दौड़ेगा नीचे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी हाइट ज़्यादा होने के कारण जो है वो 100 था, ठीक है, और ये इसका हाइट कम होने के कारण मान लेते हैं 25 था, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और वैसे ही समझना है, कोई इसमें अपने को लॉजिक नहीं लगाना है कि भाई ये फिजिक्स में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो सामान ऊपर होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें हाइट ज़्यादा होगा, ठीक। मान लेते हैं वो 100 था, एक सामान नीचे, वही सामान नीचे पहुंच गया होगा जब, तब उसके अंदर क्या होगा, हाइट कम हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 25 हो गया होगा। अब अगर आपको ये पता हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक एनर्जी है, जिसमें एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा चलता है, ठीक है। तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो गया, तो इसका जो 75 एनर्जी था, ये 100 का 25 हो गया, तो 75 जो अमाउंट है एनर्जी वो कहाँ गया, वो बदला होगा काइनेटिक एनर्जी में। किसमें बदला होगा, काइनेटिक एनर्जी में बदला होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, काइनेटिक एनर्जी आप समझने, मतलब बाइक वाइक का प्रचार देखते होंगे तो उसमें बोलते हैं काइनेटिक काइनेटिक बात करते रहता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि जो भी चीज़ दौड़ रही हो, मोशन में हो, उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, और जो चीज़ स्टेबल हो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला अगर आपको पता हो, तो इसका होता है हाफ mv², ठीक। तो अब आप समझिए कि जब ये नीचे आ रहा होगा, तो ये v इज वेलोसिटी, मास इज m इज मास, हाफ तो खैर कॉन्स्टेंट ही होता है, तो ये जो है जब ये नीचे आ रहा होगा तब इसमें वेलोसिटी आया होगा, ठीक। तो इसके पास कन्वर्ट होने के लिए 75 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो इसका ऑब्वियसली वेलोसिटी जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा हुआ तो ज़्यादा होगा वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका तो इसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं बची है, तो यहाँ से जब वो नीचे जाएगा तब उसको उतना ये नहीं मिलेगा, उतना उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ही इतना नहीं था जो कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में बनता। तो इसलिए कहते हैं कि जो ऊपर से आ रहा होगा उसमें ज़्यादा स्पीड होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बनेगा, और फिर वो ज़्यादा स्पीड बनेगा, ज़्यादा स्पीड बनेगा तो वो ज़्यादा स्पीड में सब कुछ तोड़ता हुआ चलेगा। जब वो नीचे आ जाता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नहीं होता है, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि वो उसको कम फोर्स उसको मिल पाता है, और वो धीरे धीरे तोड़ पाता है, ठीक। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा तेज़ से मूव कर रहा है तो ज़्यादा वो तोड़ फाड़ मचाएगा। मान लीजिए एक भारी ट्रक है, वो एकदम बहुत 150 की स्पीड से चल रहा है, मार दिया किसी में जाके, तो ज़्यादा तहस नहस करेगा, और वही एक ट्रक जो है 20 की स्पीड से चल रहा है, मारा वो तो उतना तहस नहस नहीं करेगा, यही अंतर है, ठीक है। एक्चुअली ये साइंस ज्योग्राफी सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बस मैं एक कंसेप्ट बताने के लिए मैं बता रहा था। तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि मास ऑफ डेब्रिस जो है वो ऊपर से नीचे जो स्पीड में आया होगा वो क्या होगा, डिपॉजिट होना पड़ जाएगा उसको फुट ऑफ द हिल पर या माउथ पर। इससे क्या फॉर्म होता है, अलूवियल कोन फॉर्म होता है, अलूवियल फैन फॉर्म होता है, या फिर ड्राई डेल्टा फॉर्म होता है। ये तीन यहाँ पे लैंडफॉर्म यहाँ फॉर्म हो जाते हैं, कहाँ पे, फुट ऑफ द हिल पे, ठीक है। टेम्पररी स्ट्रीम्स फ्लो ओवर इट डिपॉजिटिंग मोर मटेरियल ओवर इट विच इज सब्जेक्टेड टू इवेपोरेशन एंड बाय हॉट सन एंड डाउनवर्ड परकुलेशन इन टू ग्राउंड माउंट्स ऑफ डेब्रिस इज फॉर्म। चलिए इसको क्या बोलना चाह रही है समझिए, बहुत MGH हो गया है ना। अब आते हैं एक्चुअल बात पे, क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए ये दो हिल्स है, ये दो हिल्स है, ठीक है। यहां से एक स्ट्रीम निकल के आया, ठीक है, यहां से एक स्ट्रीम निकल के आया, यहाँ बहता गया, और इसका एक ट्रिब्यूटरी रहा होगा यहाँ आके, तो ये क्या करेगा, ये भारी भरकम जो सामान लाया होगा वो यहाँ पे ये डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, इस वाले एरिया में वो डिपॉजिट कर देगा, ठीक। अभी क्या होगा कि और जो स्ट्रीम्स होंगे वो इनिशियल डिपोजिशन हुआ तो उसका हाइट इतना नहीं होगा कि पानी इस पर चढ़ नहीं पाए, फिर इस पर पानी चढ़ेगा, जिसको टेम्पररी स्ट्रीम्स यहाँ बोला गया है हुआ है। इसके पास भी कुछ मटेरियल होगा जो पानी चढ़ रहा होगा, वो और डिपॉजिट करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब उस डेब्रिस जो जमा हो रहा है उसके अंदर भी इतना स्पेस है, मोटा मोटा बाउल्डर है, बाउल्डर है ना, तो उसके अंदर स्पेस है कि पानी फ्लो कर सकता है अंदर ही अंदर, ठीक है। बट जब तक इतना हाइट नहीं बढ़ता है तब तक आपको वो पानी दिखना बंद नहीं होता है,
ठीक है, तो जब हाइट बढ़ गया उसका तो फिर पानी दिखना आपको बंद हो जाता है, और आपको क्या फाइनली दिखता है कि माउंड ऑफ डेब्रिस दिखता है। पानी अभी भी अंदर अंदर फ्लो कर रहा है, ऊपर सब फ्लो होना बंद हो चुका है क्योंकि हाइट उसका काफ़ी बढ़ चुका है, और आपको जो बाहर से दिखेगा वो क्या दिखेगा, माउंड ऑफ डेब्रिस दिखेगा। ठीक है, ऊपर से सूख उग जाता है, डाउनवर्ड पार्ट ऑफ ग्राउंड, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि गलीज एलॉन्ग विद द कोरोजन आर डिपेंड बाई टोरेंट्स ड्यूरिंग क्लाउड ब्रस्ट। ठीक है, वर्दीज क्या है, हैवी रेन्स था, तो गलीज क्या होता है, गली और वो जो अपने डबिन्स ये सब हमने पढ़ा था, वो सब क्या होता है कि और ज़्यादा अगर बारिश होगा तो वो डीप होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेजर्ट स्ट्रीम जो है, जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन इस केस में क्योंकि कहीं कहीं पर क्या देखने के लिए मिलता है कि डेजर्ट में जो स्ट्रीम्स हैं वो उनको जो आसपास के जो माउंटेन्स पे स्नो होते हैं वो उनको साल भर पानी देते रहते हैं, उसको पेरेनियल बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, चिबका इन अल्जीरिया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि एरिड और सेमिड एरिया में क्या होता है, जो आउटफ्लोइंग ये जो रिवर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और इंटरमिटेंट होते हैं। इंटरमिटेंट वर्ड का क्या मतलब है, एक ऐसा आ रहा है ना, कुछ ऐसा टाइप का अगर ये है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही होगा, मोटा मोटा मान के चलिए कोई अगर रिवर सिस्टम ऐसा है तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट बोल देते हैं। ठीक है, हो सकता है ये एक रिवर हो, इसमें आके ये आगे जुड़ गया हो, तो दिस इज इंटरमीडिएट, इस पार्ट को हम लोग इंटरमीडिएट सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस केस में क्या होता है कि सेमी एरिड और सेमिड एरियाज में जो आउटफ्लोइंग रिवर्स होते हैं अपलैंड से, वो शॉर्ट और इंटरमीडिएट होते हैं, उनका ड्रेनेज इंटरनल होता है, एंड वाटर समटाइम्स डज नॉट अपेयर एंड टेम्पररी लेक इज फॉर्म्ड हाई परसेंट ऑफ सॉल्ट। और यहाँ पर लेक्स एंड अलुवियल प्लेन्स देखने के लिए मिलते हैं, ये दो लैंड फॉर्म्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कहने क्या मतलब है कि इंटरमीडिएट वाला जो सिस्टम है उसमें पत्थर 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 होता है। ठीक है, और बीच में आपको दिखेगा कि यहाँ से ये पानी, अब ये मान लीजिए बीच में गड्ढा था तो यहाँ पर आपको दिखेगा लेक है, लेकिन एक्चुअली ये लेक नहीं होता है, ये पानी उधर से आ रहा होता है, इसको भरता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, तो ये आपको लेक जैसा दिखता है बीच में। ठीक है, बाकी सब जगह अंडरग्राउंड था लेकिन एक आध जगह पर वो क्या होता है, वो देखने के लिए मिल जाता है, तो ये लेक्स होता है। बाकी एलुवियल प्लेन्स तो आपको समझ में आता है, ये कि आगे जाकर डिपोजिशन क्या होगा, तो एलुवियल प्लेन का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक, ठीक है, इसे एग्जांपल्स देखिए, प्लायास, सलीनास, सलार्स यूएसए में एंड मेक्सिको में, एंड शॉर्ट्स इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक, लास्ट टॉपिक इसका क्या है, फ्लोर डिप्रेशन एज हैज बाजदा एंड पेडिमेंट। अभी क्या होता है कि बाजदा क्या है, बाजदा, अब दो नाम है, दोनों आपको याद सीधे सीधे रखने हैं। पेडिमेंट क्या है और बाजदा क्या है, पेडिमेंट है इरोजनल प्लेन है, बाजदा क्या है, डिपोजिशनल वाला एरिया है, जहाँ पर डिपॉजिट होता है वहाँ बाजदा बनता है, और जहाँ पर पेडिमेंट होता है वहाँ पर इरोजन बनता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, पी पेडिमेंट है, इसके बगल में ई है, तो क्या हो गया, ये इरोजनल हो गया, और बाजदा है तो अभी इसमें डी है। अब थोड़ा तो कुछ ऐसा याद रखने के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इतने टर्म्स हो चुके हैं कि अपन ही मतलब भूलने लग जाएंगे कि बाजदा के साथ क्या है, डी है यानी डिपोजिशनल है, पी के साथ ई है यानी कि इरोजनल है। ठीक, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो आप ऐसा याद रखिए कि ये बाजदा तो डिपोजिशनल ही है, इसमें तो कोई ज़्यादा आपको समझ नहीं आ गया। आप ये फोटो देखिए, फोटो में क्या हो रहा है कि जो स्ट्रीम्स आ रहा होगा ना, स्ट्रीम्स आ रहा होगा वो यहाँ पर डिपॉजिट करता हुआ जा रहा है। ठीक, दिस इज कॉल्ड बाजदा। ठीक, अब वो कहीं से इरोड कर रहा होगा, राइट, ठीक है, वो कहीं से इरोड कर रहा होगा, तो वहाँ कुछ अगर प्लेन बना होगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ माउंटेन है, मान लेते हैं ऐसा कुछ अगर एक माउंटेन था, ठीक, यहाँ से, और ये क्या होता है, माउंटेन भी अगर आप अगर हिली एरिया में गए हो ना तो ये सीरीज में होते हैं। सीरीज में कहने का मतलब यहाँ पर जो रोड चल रहा होता है, मान लो यहाँ पर एक रोड है, ठीक है, ये थोड़ा देर में यहाँ पहुँच जाएगा और ये इस हाइट पे ये रोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट डिफरेंस है एक्चुअली, ठीक है, ये भरा हुआ है, बीच में भी इधर माउंटेन वगैरह होगा, तो ये रेंजेस होते हैं, एक रेंज में नीचे वाला रेंज है, फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हम ऊपर वाले रेंज में हैं और आपको नीचे का रोड दिख रहा होता है। ठीक है ना, तो हो क्या रहा है यहाँ पर ना, कि जो अपने को
पेडिमेंट से काम था। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जब इस प्लेन में आया होगा, इसका जो ये प्लेन वाला सेक्शन आया होगा, यहाँ से वो कुछ सामान उठा करके लाया होगा और यहाँ पर वो डिपॉजिट कर दिया होगा। कहाँ पर डिपॉजिट कर दिया होगा? इस वाले सेक्शन में डिपॉजिट कर दिया होगा। ठीक है, इसी को हम लोग पेडिमेंट किसको बोलते हैं? इरोजनल प्लेन को बोलते हैं, क्योंकि इसमें ई था, पेडिमेंट वर्ड में ई था तो इरोजनल प्लेन था। एट द बेस ऑफ सराउंडिंग माउंटेन स्कार्प्स, ठीक है, माउंटेन स्कार्प पर आएंगे तो अब आएगा टॉपिक तो हम लोग देखेंगे। तो माउंटेन यहाँ से उठाया और यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, और मेरे सॉफ्टवेयर को भूत लग गया है ना, मटेरियल बाय इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स, ठीक है, एलुवियल मटेरियल्स बाय इंटरमीडिएट, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बाजदा बन जाता है। बाजदा में क्या है? डी है, तो डिपोजिशनल फीचर होगा और ये इरोजनल फीचर होगा। ठीक है मित्रों, 2 मिनट दीजिए, मैं इसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ, पॉज करता हूँ इसको थोड़ा। आज तो सुबह सुबह हम लैपटॉप गर्मा गो, ये भी ठीक है, चलिए आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, इसीलिए मैंने पॉज कर दिया था, क्योंकि बार बार वो आता जाता रहता है तो फिर ये ब्रेक करता है अपना, ठीक है, वो लेक्चर का जो एक फ्लो होता है ना उसको वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स बाय रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर के लैंडफॉर्म की बात हो रही है, रनिंग वाटर किसको बोलते हैं? वो जो रिवर वगैरह होते हैं दैट इज़ रनिंग वाटर, उसका ही लैंडफॉर्म की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उस लैंडफॉर्म पर पहुंचने से पहले कुछ हमको थोड़ा प्रोसेस देखना पड़ेगा, वो समझ में आएगा हम क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, सबको समझ में आएगा। लैंडफॉर्म्स थोड़े से बाद में, कुछ कुछ कंडीशंस, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कुछ तरीका जो है चीज़ सबका होने का, वो अपने को पहले पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैंडफॉर्म्स, एक्चुअली लैंडफॉर्म्स क्या बनते हैं। ठीक है, एक रिवर कोर्स में अपने आपको पता होगा कि एक ये रिवर कोर्स है, ठीक है ना, एक अपर पोर्शन होता है, एक मिडिल पोर्शन होता है और एक लोअर पोर्शन, दिस इज मिडिल पोर्शन एंड दिस इज लोअर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन है। ठीक है, अपर पोर्शन में क्या होता है कि काफ़ी स्पीड होता है, मिडिल में भी होता है, यहाँ पर क्या होता है ट्रिब्यूटरीज वगैरह आते हैं अपने पास, है ना, अपर पोर्शन है, ट्रिब्यूटरीज आते हैं, मिडिल में भी कहीं कहीं पर ट्रिब्यूटरीज देखने के लिए मिलता है, लोअर पोर्शन में क्या देखने के लिए मिलता है, मोस्टली अपने को डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सबसे ईजी एग्जाम्पल आप गंगा का याद रख सकते हैं, हुगली क्या है उसका? डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, तो इस पोर्शन पर हर इस पार्ट में भी हर पोर्शन में लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उनके बारे में बातचीत करने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिवर सिस्टम, डेवलपमेंट रिवर सिस्टम का डेवलपमेंट कैसा होता है या उससे रिलेटेड क्या बातें हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें पहला ये आता है डेनुडेशन। ठीक है, डेनुडेशन में क्या 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 मतलब है? जनरल लोडिंग ऑफ द सर्फेस, ऑब्वियसली टूट फूट के जो वो बहता है उसको डेनुडेशन बोलते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या आता है? इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आता है डिनोडेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो मैंने बेसिकली वियरिंग ऑफ एंड बीइंग कैरीड अवे, और वहाँ जो गड्ढा क्रिएट होता है वो डिनोडेशन के कारण क्रिएट होता है, और इस प्रोसेस के तहत होता है इसको हम लोग डिनोडेशन बोलते हैं, राइट। ठीक है, रेनफॉल ओकर होता है और कुछ उसमें से इवेपोरेशन हो जाता है और कुछ जो है वो बह के निकल जाता है, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, वाटर एक्शन अपने को हर जगह देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन ग्लेशियर और स्नो जो है वो कोल्ड एरियाज में देखने के लिए मिलता है, विंड जो है मेनली डेजर्ट देखने के लिए मिलता है, वेव्स जो है वो कोस्टल एरियाज में देखने के लिए मिलता है। तो अब ये सब जो एक्शंस हैं वो कहीं कहीं देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ये सब जो है ग्लेशियर स्नो वो कोल्ड एरियाज में हो गया, विंड जो है वो डेजर्ट में हो गया, वेव्स जो है वो कोस्टल एरियाज में हो गया, लेकिन वाटर एक्शन क्या है अपने को हर जगह देखने के लिए मिलता है। रनिंग वाटर जो है सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ डिनुडेशन है। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या हो सकता है? रिवर, लेक, मार्स, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब ये सब नॉर्मल बातें हैं कि अपलैंड पे ज़्यादा बारिश होगी, हैवीस्ट रेनफॉल होगा तो स्लोप्स जो है वो पानी स्लोप से पानी बह के नीचे आ जाएगा। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि अपलैंड्स फ्रॉम कैचमेंट एरिया क्रेस्ट ऑफ माउंटेन इज डिवाइड और वाटरशेड। आपको वाटरशेड या फिर डिवाइड के बारे में पता है? ये क्या होता है ना, एक माउंटेन है, मान लेते हैं ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, इस पूरे लाइन में वेस्टर्न घाट्स फैला हुआ है। ठीक है, तो इधर से विंड आती है, इधर अपना अरेबियन सी है, इधर अपना अरेबियन सी है, ये भारत का सरफेस है,
तो ये क्या है, ये वाटर इधर से क्या होता है, ये विंडवर्ड साइड हो गया, इधर बारिश होती है, तो इसको ना वाटर शेड या वाटर डिवाइड बोलते हैं। एक मिनट मित्र, ये बार बार तो हम लोग बात कर रहे थे कि इधर से विंड आ रहा था, तो विंड आने से ये जो माउंटेन रेंज है ना बीच में, ये वाटर डिवाइड का काम करता है। मतलब वाटर डिवाइड करने का मतलब ये वाला साइड सूखा रहेगा और ये वाला साइड ज़्यादा गीला रहेगा। ठीक है, अब सुनते होंगे ना मुंबई में बाढ़ आ गया, तो बाढ़ तो वो ड्रेनेज के प्रॉब्लम से भी आता है, बट ज़्यादा बारिश इस साइड पे होता है। ठीक है, तो ये वाटर डिवाइड काम करता है या वाटर शेड का काम करता है, इसको हम लोग वाटर डिवाइड या वाटर शेड बोल देते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। हम लोग वाटर डिवाइड, ये क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन, मतलब वो माउंटेन का जो ये होता है ना उसको क्रेस्ट बोलते हैं। कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स, ठीक है, इनिशियल स्ट्रीम एग्जिस्ट एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्लोप। कंसिक्वेंट स्ट्रीम, अभी और इस पर बात आएगा आगे, है ना, अब तो देखते हैं इस चीज़ को क्या कैसे है। ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। अब ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कंसिक्वेंट स्ट्रीम साथ आते हैं। ठीक है, उसके से पहले हम लोग इधर देख लेते हैं। कि एक जो एक रिवर रिवर बह रही है, इस पे कुछ नदियां क्या है कि ऐसे आके जुड़ेगी, ऐसे आके जुड़ेगी। ठीक है, या फिर ऐसे आके जुड़ेगी, ये फ्लो इधर हो रहा है। ठीक है, फ्लो इधर हो रहा है और ये नदी इसमें एक ऐसा ट्रिब्यूटरी होगा जो ऐसे मूव करता होगा पानी के साथ। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो पहला वाला केस है, पहला वाला ये पहला पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं कि अगर रॉक्स होमोजीनियस होगा, ठीक है, होमोजीनियस रॉक कहने का मतलब यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, टू इरोजन ऑब्वियसली, तो ट्रिब्यूटरीज जो है ओब्लिकली ज्वाइन करेंगे। तो पहले वाले केस पे आ जाइए, पहले वाले केस पे आ जाइए, थोड़ा ना लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए थोड़ा अटक रहा होगा, बट इसको लेक्चर ख़त्म करके इसका इलाज करते हैं, है ना। ये नदी क्या है, ऐसा मूव कर रहा है, और एक नदी क्या होता है, ऐसे हो करके आता है। ठीक है, ऐसा हो के आता है और फिर यहाँ से इधर टर्न हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड ओब्लिकली एडिंग। ठीक है, अब इसमें ना इंडस नदी में एक ऐसा एग्जाम्पल है ओब्लिक नदी का, दिमाग से नाम उतर रहा है, कोई एक नदी था इंडस का जो लद्दाख में मिलता है, जो ओब्लिकली ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसिक्वेंट स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। और तीसरा चीज़ क्या बोलते हैं कि यहाँ जो फॉर्मेशन होता है रिवर सिस्टम का, वो डेंड्राइटिक होता है या ट्री लाइक होता है। अभी ऐसा हो जाए ना, ये आपको ट्री जैसा दिखेगा, इसमें भी कुछ ऐसा दिख जुड़ जाए। ठीक है, इसमें फिर एक ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ट्री ट्री जैसा दिखने लग जाता है, इसको हम लोग डेंड्राइटिक या ट्री लाइक बोल देते हैं। दूसरा क्या है कि अगर ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, तो ट्रिब्यूटरीज जो हैं फ्लो द पैटर्न ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, और ये लोग राइट एंगल पर ज्वाइन करते हैं। अब राइट एंगल 90 डिग्री होता है, बट जरूरी नहीं है कि राइट पे ही ये करे, ये कुछ ऐसा बोल रहा है, बट मोटा मोटा वैसा ज्वाइन करते हैं। दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स, इसको बोलते हैं इन स्ट्रीम्स को। और जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेरिलाइज्ड या रेक्टेंगुलर ड्रेनेज का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो होमोजीनियस वाला जो पार्ट था ना, अब होता क्या है ना कि एक नदी बह रही है, एक ट्रिब्यूटरी आ रही है उधर से, अभी उसको क्या है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले रॉक्स मिल रहे हैं, तो वो क्या करता है कि उसको तोड़ नहीं पाता है। हो सकता है इन टाइम ऑफ मिलियन ईयर वो तोड़ दे, लेकिन इनिशियल जब शुरू का कुछ समय रहा होगा उसमें वो तोड़ नहीं पाता है। ठीक है, जब वो तोड़ नहीं पाता है, तब वो क्या करता है कि जिधर जिधर वो तोड़ पाता है वो उधर से अपना रास्ता तय करता है। जब ऐसा केस बनता है, तो उस केस में हम देखते हैं कि
ये जो है आपका इनसिक्योर टाइप का बात यहाँ पर हो जाता है। अगर वो तोड़ पाएगा, अगर सब कुछ तोड़ फाड़ के वो निकल गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्सिक्वेंट रिवर या कॉन्सिक्वेंट रिवर बन जाएगा। लेकिन ये इनसिक्योर कब बन जाता है, जब वो तोड़ नहीं पाता है और उसको एक ऐसा रास्ता तय करना पड़ता है जो जनरली कोई रिवर तय नहीं करती है। और उस केस में आप देखेंगे कि रिवर का फ्लो जिस जिस साइड है उसके अपोजिट डायरेक्शन से वो आ रही है और फिर वो जुड़ के रिवर के फ्लो के साथ मूव करिए। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो अपोजिट आएगा और रिवर कोई उल्टा लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो उधर से आएगी और ज्वाइन करके वो यू टर्न लेके चली जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंट रिवर कौन सा हो गया, हमने बोला था कॉन्सिक्वेंट रिवर बात करते हैं। तो एक तो है अपना कॉन्सिक्वेंट, दूसरा है सब्सिक्वेंट और तीसरा है इनसिक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट कौन सा हो गया, एक रिवर फ्लो कर रही है इसमें ये आके जुड़ रहा है, जो भी ट्रिब्यूटरी आके जुड़ता है स्लोप के कारण, दैट इज कॉन्सिक्वेंट रिवर। दूसरा क्या है सब्सिक्वेंट रिवर। सब्सिक्वेंट रिवर में क्या था कि 90 डिग्री पर ज्वाइन कर रहा था, 90 डिग्री कहने के लिए 90 है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक दो डिग्री 4 डिग्री आगे पीछे हो सकता है, दैट इज सब्सिक्वेंट रिवर। और तीसरा क्या था इनसिक्वेंट रिवर, तीसरा क्या था ऐसा फ्लो था इसमें ये ऐसा आ रहा था। ठीक है, ये तीनों चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन मास। ठीक, अभी वाटर जो है, ठीक है, वाटर के लुब्रिकेटिंग एक्शन के कारण क्या होता है कि मूवमेंट चालू होता है। अब कोई भी चीज़ जो सॉलिड है, ठीक है, उसको अगर थोड़ा लुब्रिकेट कर दें तो वो थोड़ा ना मूव करने का ये बनता जाता है, उसका क्या बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि अब वो मूव कर सकता है। सॉलिड है वो बैठा हुआ था, अभी घुल मिल गया वो भी चलने लगे। अभी है ना कि लड़का अकेला बैठा हुआ है, दो चार ठो और आ गया लड़का, घुल मिल गया, अब सब बह गए खुद तो डूबे दूसरे को भी ले डूबे। तो लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसके कारण मूवमेंट होता है। तो स्लो मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सॉइल क्रीप बोलते हैं, क्रीप मतलब रेंगना होता है। एंड सडन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन, प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन, जो रिवर एक्शन होता है वो तीन तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, रिवर एक्शन जो है वो तीन तरीके से होता है। पहला क्या होता है कि उसको चीज़ों को वो डिजॉल्व कर ले अपने अंदर, जैसे सॉल्ट शुगर ऐसा इस टाइप का जो चीज़ होता है जो टोटली डिजॉल्व होकर दिखता ही नहीं है अपने को ना, वो टोटली डिजॉल्व कर ले। दूसरा क्या होता है कि सस्पेंशन में रहे। अब बालू मिट्टी ये सब क्या है, ये सब तो घुल के डिसअपियर नहीं होते हैं ना, लेकिन वाटर में सस्पेंडेड रहते हैं। आप देखेंगे पानी, एक गिलास में पानी लीजिए, मड लीजिए, पतला मड लीजिए, तो उसका दिखेगा कि झूल रहा है पानी में, कहीं ना कुछ तो नीचे बैठ जाएगा, कुछ जो हवा में, हवा नहीं मतलब पानी में झूल रहा होगा। ठीक है, तो दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन किसको बोलते हैं, जिसमें हवा में वो झूल रहा होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड क्या होता है कि जिसमें हैवी वेट्स, बोल्डर्स को, जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो तीन तरह से रिवर चीज़ों को लेके जाता है। पहला तो डिजोल्व करके लेके जाएगा जो कि 50 टन्स पर ईयर होता है, दूसरा झुला के लेके जाएगा। सस्पेंडेड सॉल्ट कहने मतलब ये जो डिजोल्व नहीं हो पाए दैट इज सस्पेंडेड। एक तो कुछ होता है डिजोल्व होकर के वो दिखना बंद हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है सॉल्ट जो डिजोल्व होगा लेकिन दिखता रहेगा, ठीक है, दिखना बंद नहीं होता, तो इसको हम लोग सस्पेंडेड सॉल्ट बोलते हैं। सिल्ट, मड, ये सबको आप देख सकते हैं, ये 200 टन्स पर ईयर जो है वो लेकर ट्रैवल करता है। तीसरा क्या ट्रैवल करता है लेकर, ट्रैक्शन लोड। ठीक है, कोर्स मटेरियल्स, पेबल्स, स्टोन्स, रॉक्स, ये सब को लेकर, बोल्डर्स, इन चीज़ों को लेकर के ट्रैवल करता है। जिसको ट्रैवल करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उसको हवा मतलब पानी उठा के लेकर चलता है, इसको रोल करता रहता है, रोल अलोंग द बेड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बेड पर क्या है उसको गुड़का करके ले जा रहा है। गुड़काना मतलब ये हमारे इधर चलता है गुड़काना गुड़काना मतलब होता है बच्चों, मित्रों, मतलब कि रोल करना उसको, राइट है। ठीक है, वो गाड़ी गुड़क गया मतलब गाड़ी रोल कर गया ना, तो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मिसिसिपी रिवर के बारे में देखिए, अब ये इसका प्रोसेस हमने देख लिया। अभी मिसिसिपी रिवर के बारे में एक फैक्ट है कि ये जो ड्रेन है हाफ द साइज ऑफ यूएस डेली इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करती है। ये मतलब एक यूएसए का साइज देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा दिखता है, और उसकी हाफ का साइज़ का वो ड्रेन करती है। ड्रेन करने का मतलब क्या होता है ना मित्रों, कि अब ये तो रिवर तो है कि एक जगह से आएगी और वो निकलते जाएगी, लेकिन अब कोई रिवर का ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक ही ये है। इनिशियल लेवल पे जो अपर स्टेज होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे स्ट्रीम्स जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, ये मिला करके एक मोटा रिवर बनता है जो अपने को नीचे हरहराता हुआ दिखता है। ठीक है, हरहराता हुआ दिखता है मतलब काफ़ी साउंड फ्लो में दिखता है, आवाज़ करता हुआ जो साउंड फ्लो होता है ना उसको, उसमें हमको दिखता है। ठीक है, ये सब क्या ना कि थोड़ा मैं बिहार से हूँ तो वो वर्ड्स आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उम्मीद है
आपको ये याद रखने में मदद कर, हड़हड़ाता हुआ चलता है, मतलब आवाज़ करता हुआ चलता है आदमी भी, है ना, कोई अगर डंडा लेकर रोड पर चला जाए, हड़हड़ाए हड़हड़ाते हुआ चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव मटेरियल डिपेंड्स किस पे करता है? पहला तो है वॉल्यूम है, ऑब्वियसली ज़्यादा पानी होगा ज़्यादा मटेरियल लेकर चलेगा। वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जितना तेज होगा उतना ज़्यादा सामान लेकर चलेगा। बाई डबलिंग द वेलोसिटी ट्रांसपोर्टेशन पावर जो है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। पहले मान लेते हैं 1 kg ले जा रहा था, ठीक है, एक V1 पे, अभी 2V1 मतलब डबल कर दिया वेलोसिटी को, तो ये 10 kg ले जा सकता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का ये कमाल था। तीसरा क्या है, साइज शेप एंड वेट ऑफ द लोड। ऑब्वियसली ज़्यादा भारी होगा तो नहीं जा पाएगा, तो उससे कम भारी होगा तो हो सकता है रोल करता हुआ जाए, उससे कम भारी हो तो हो सकता है कि पानी में लटकता हुआ चला जाए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स क्या हैं, अब्रेशन, सॉरी चार टर्म्स हैं, अब्रेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रोलिक एक्शन एंड एट्रिशन। अब दो तीन टर्म्स तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सॉल्यूशन, अब्रेशन एंड एट्रिशन देख चुके हैं। अब्रेशन क्या था मित्रों, अब्रेशन था कि बड़े पत्थर में जो है वो छोटा कण आकर के हिट मारता है, दैट इज अब्रेशन। एट्रिशन देख चुके थे, दो टी था, तो पत्थर से शीशा से शीशा टकराए वैसे, टी 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 टकराना, तो दो छोटे छोटे पत्थर टकराते थे और वो खुद ही में लड़ लड़ झगड़ के मर जाते थे। और तीसरा क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या था कि वो घुल मिल के चलता है, और लास्ट मतलब एक जो हमने नहीं पढ़ा हुआ था वो हाइड्रोलिक एक्शन था, ठीक है। मैकेनिकल लूजनिंग ऑफ मटेरियल अंडरमाइंस द सॉफ्टर रॉक्स। इसमें बोलना क्या चाह रहा है बेसिकली कि ये पानी के, हम लोगों ने सैंड के इसमें पढ़ा था, पानी के कम इसमें पढ़ते हैं, तो क्या है कि पहला वो टर्म के अब्रेशन, मैकेनिकल ग्राइंडिंग, मैकेनिकल ग्राइंडिंग अगेंस्ट बैंक्स। अभी बैंक्स में क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, राइट। बैंक्स में अपने को क्या देखने के लिए मिलते हैं, पत्थर देखने के लिए मिलते हैं। उस पे जा करके वो क्या हो रहा है ना कि पानी जो है छोटा पत्थर मार रहा है, वहाँ पे हवा उसको मार रहा था, यहाँ पे वाटर एक्शन हो रहा है। वहाँ पर मतलब डेजर्ट में क्या हुआ था, बड़ा पत्थर था उस पे हवा छोटा पत्थर ला के मार रहा था, ठीक है। इस केस में क्या होता है, वाटर वाली बात कर रहे हैं, तो वाटर में एक छोटा पत्थर होगा जो एक कोस्ट या फिर रिवर के साइड में बड़ा पत्थर होगा, उसको जाकर मारेगा, जिसको उसको हम लोग अब्रेशन बोलते हैं। लेटरल और वर्टिकल, नीचे भी मार सकता है, नीचे भी पत्थर होगा नीचे मार सकता है, या फिर साइड में भी मार सकता है, ठीक। लेटरल इज साइडवेज एंड वर्टिकल इज डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट क्या, सॉल्यूशन डिजोल्व कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन में वो डिजोल्व हो जाता है और वो टूट फूट जाता है और वो मूव करता हुआ चला जाता है। वो भी वाटर एक्शन ही था ना, जो हमने लाइमस्टोन वाले जो लैंडफॉर्म्स पढ़े थे उसमें जो लाइमस्टोन है वो डिसॉल्व हो करके ब्रेक हो जा रहा था, CaCO3 जो CaO में ब्रेक हो जा रहा था, क्विक लाइम में ब्रेक हो जा रहा था, ठीक है। तो वो भी क्या था, वाटर एक्शन ही था ना एक ढंग से। तीसरा क्या, हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या हो रहा है कि जो भी आपके पत्थर हैं उन पे ये अट्रिशन, सोल्यूशन, अट्रिशन, एब्रेशन, ये सब एक्ट कर रहा है और उसको तोड़ फोड़ के उसको अलग कर रहा है, तो ये भी एक ढंग से वाटर एक्शन ही है, ठीक। और एट्रिशन तो हम देख ही चुके हैं, आपस आपस में टकराते हैं, पानी में ही है, लेकिन पानी में भी आपस में टकराएंगे ही, ठीक है। आदमी का अगर प्रवृत्ति मार करने का है ना तो वो मार करता ही रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग लैंड फॉर्म पे, ठीक है। सबसे पहले पहला अपना क्या है, अपर और माउंटेन कोर्स, ठीक है। अपर माउंटेन कोर्स यूथ स्टेज इसको बोलते हैं, ये अपना सबसे पहला स्टेज है। इतना देर हमने जो कहानी पढ़ा वो काम का था स्टेटमेंट्स के हिसाब से और कॉन्सेप्ट बिल्डअप के हिसाब से। अब हम लोग लैंडफॉर्म्स पे आ रहे हैं। रिवर्स में तीन पार्ट हमने बताया था आपको, ठीक है। पहला अपर, दूसरा मिडिल, तीसरा लोअर कोर्स। तीनों कोर्स में हम लोग लैंडफॉर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले यूथ स्टेज में क्या होता है कि वर्टिकल कोरेजन ज़्यादा होता है। वर्टिकल कोरेजन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आपको बताया था ना कि MGH जो है वो मैंने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, तो काफ़ी इसको वेलोसिटी होता है, तो ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है अभी, तो नीचे की तरफ वो ज़्यादा छेद करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्टिकल कोरेजन ज़्यादा है और लेटरल जो है साइडवेज जो है वो कम होता है, मतलब नील ही के बराबर, एकदम जीरो के बराबर है। और आप लास्ट कोर्स में देखेंगे, जब फाइनल कोर्स रिवर का आता है उसमें देखेंगे लेटरल ही डोमिनेंट होता है और वर्टिकल कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होता है, ठीक है। तो इसमें वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होता है जो कि नैरो एंड डीप होता है। अब वी शेप वैली जो कि नैरो एंड डीप होता है उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वही आपके इसके लैंडफॉर्म्स के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। पहला क्या है उसमें, गॉर्जेस, ठीक है। पहला गॉर्जेस है, दूसरा कैनियन है, तीसरा रिवर कैप्चर है, ठीक है, या बिहेडिंग या पायरेसी बोलते हैं इसको।
ये इस पे आते हैं। तीसरा वाला थोड़ा समझने का है, बाकी ये दो कुछ खास इसमें समझने का नहीं है। गॉर्जेस में क्या होता है, रॉक्स आर वेरी रेजिस्टेंट हेंस स्टीप एंड नैरो, इसमें क्या होता है वी शेप वैली फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि कैनियंस में क्या होता है ना कि गॉर्जेस और कैनियंस में क्या डिफरेंस है, कैनियंस थोड़ा बिगर इन साइज होता है। ठीक है, एरिड एरियाज में सूखा हुआ एरिया में देखते हैं, रेनफॉल वाइडनेस द वैली साइड्स एंड रिवर कट्स डीप इन टू द वैली। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, इंदुस गॉर्ज इन कश्मीर और ब्रायस कैनियन इन उटाह जो है, ये सब एग्जाम्पल है। अब गॉर्जेस कैनियन में क्या अंतर होता है, हम ये जो बात करते हैं कि गॉर्जेस क्या था, गॉर्जेस वी शेप था और कैनियन क्या था यू शेप था, थोड़ा सा यू शेप मतलब वी ही होगा लेकिन थोड़ा सा चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा होगा, मतलब टोटली आप यू मत बोलिए उसको, वी जैसा ही होगा लेकिन थोड़ा चौड़ा होगा। ठीक, यानी कि ये थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, ये छोटी सी मतलब छोटा है, ठीक है ना, छोटा है ये। ठीक है, इसको क्या चीज़ ऐसा हो रहा है कि ये चौड़ा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेजिस्टिव रॉक्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट रॉक्स मिलते हैं, इसलिए वो ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए वो गॉर्जेस बनता है। जहाँ पे वो चौड़ा हो पाता है वहाँ पे वो कैनियन बन जाता है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन वगैरह का आप फोटो देख सकते हैं। रिवर कैप्चर में क्या होता है कि पहले इसका, इसमें थोड़ा सा ना समझने का चीज़ है मित्रों, ठीक है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, थोड़ा समझने का है। इसमें रिवर कैप्चरिंग बिहेडिंग या पायरेसी, इसमें क्या होता है ना कि एक रिवर ऐसा चल रहा होता है, मान लेते हैं एक रिवर ऐसा अपना चल रहा होता है, ठीक, और दूसरा रिवर इधर जो होता है वो आ रहा है, ये हो रहा था। अब इसके पास पानी क्या है, ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, सब कुछ इसके पास ज़्यादा है। ठीक है, मेरे पास बंगला है, घर है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, ठीक, तो वो बोलता है कि मेरे पास माँ है, ये इसके पास सिर्फ माँ था और इसके पास बंगला घर ही घर सब कुछ था। ठीक है, तो होता क्या है ना कि इसके पास क्या है, ज़्यादा पावर पावर है, तो ये स्ट्रीम जो यहाँ बन रहा है, ये स्ट्रीम जो यहाँ बन रहा है वो आकर के इसमें मिलेगा, है ना, वो आके इसमें मिलेगा और ये जो है अपना एक नया स्ट्रीम बन जाएगा। ठीक, अब इस वाले को क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका पायरेसी हो गया, लुटा गया, ये बिहेडिंग हो गया, इसका सर कट काट दिया और इस रिवर को कैप्चर कर लिया, इसीलिए इसका नाम इस तरह का देख देख सकते हैं आप। ठीक, एक चीज़, दूसरा चीज़, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि ये जो टर्न वाला है, ये पोर्शन जो है इसको यहाँ ना एल्बो जैसे, ये जो ये है ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है, दिस इज कॉल्ड एल्बो। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्बो बोलते हैं, एल्बो ऑफ कैप्चर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, विंड गैप, ये इस पर, ये जो सेक्शन है ना आपका, ये वाला जो वैली वाला सेक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग विंड गैप बोल देते हैं। और लास्ट क्या है, ये जो स्ट्रीम, जो स्ट्रीम का सर काट दिया, जो पहला वाला जो स्ट्रीम था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसफिट स्ट्रीम बोल देते हैं, कि उसको बोल देते हैं भाई तू तो इसके लिए फिट ही नहीं था, ये इस रास्ते के लिए, ये जिसके पास गाड़ी कपड़ा मकान है वो वाला है, माँ वाला तो मिसफिट था यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वही चीज़ है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, वैली बिलो द एल्बो इज कॉल्ड विंड गैप, बिहेडेड स्ट्रीम को मिसफिट स्ट्रीम बोल देते हैं, बेंड एट विच द कैप्चर होता है उसको एल्बो ऑफ कैप्चर बोल देते हैं। ठीक है, अपर सीतांग कैप्चर्ड बाई इरावदी इन बर्मा, ये अपने को एग्जाम्पल में देखने के लिए मिलता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पे आ जाइए। रिवर रैपिड्स, कैटरैक्ट्स एंड वाटरफॉल, ये क्या होता है, कैटरैक्ट्स और रैपिड एक ही चीज़ है, रैपिड जब थोड़ा बड़ा हो जाता है दैट इज कैटरैक्ट। आप अगर ऋषिकेश वगैरह गए होंगे, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होता है, तो उसमें देख देखे होंगे कि ये जो जो मूव कर रहे होते हैं ना, जो बोटिंग कर रहे होते हैं उसमें, वो जो मूव करते हैं तो ऐसे करके ऐसा मूव करते हैं ना, वो क्यों ऐसा होता है कि उसमें, उसकी को हम लोग रैपिड्स बोलते हैं। रैपिड्स में क्या होता है कि नीचे कुछ पत्थर हो सकता है या कुछ फॉर्मेशन हो सकता है, पानी ऐसा फ्लो कर रहा है ना, पानी का पूरा ये वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, पानी का ये पूरा वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। अब ये वाला पोर्शन से टकराएगा, ये क्या होगा, ये ऊपर उठेगा क्योंकि जगह तो नहीं मिला इसको, तो ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा तो सारा कुछ ऊपर उठेगा, तो ये पानी भी ऐसा मूव करता है ना, ये भी ऐसा मूव करता है। तो आपका जो शिप बोट था, गोल वाला जो बोट नहीं होता जिसमें लोग बैठ के चप्पू चलाते रहते हैं, वो भी आपको दिखेगा कि ऐसा ही मूव कर रहा है ना। ठीक है,
इसी को हम लोग रैपिड्स बोलते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसको हम लोग कैटरैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, फाउंड व्हेन आउटक्रॉप ऑफ बैंड ऑफ हार्ड रॉक मे कॉज अ रिवर टू जंप। ये नीचे क्या होगा, हार्ड रॉक होगा जो उसको जंप करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक, दैट इज रिवर, और उसका जो बड़ा फॉर्म हो जाता है दैट इज कैटरैक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वाटरफॉल। वाटरफॉल के मतलब से हम लोग समझते हैं कि भाई पानी गिर रहा हो, दैट इज वाटरफॉल, राइट। ठीक है, तो हाँ एक्चुअली वो वाटरफॉल वही होता है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करने के लिए है कि नीचे में एक पूल होता है। ठीक है, नीचे में क्या होता है मित्रों, प्लंज पूल होता है, वो फॉर्म होता है। ठीक, अब इसमें इस वाटरफॉल में दो चार तरीके होते हैं। वाटरफॉल भी एक एक्शन सही है, वो एक्शन क्या है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। वाटर एक्शन इसमें क्या हो रहा है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। पहला चीज़ तो ये है कि अगर कोई ऐसा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसा रिवर फ्लो कर रही है और बीच में उसको पत्थर मिल जाए, ठीक है, तो पत्थर को वो जैसे तैसे उसको काट के निकलेगा, थोड़ा सा चढ़ के भी निकलेगा, है ना। तो रेजिस्टेंट रॉक जो है वो ट्रांसवर्सली यहाँ पे लाई करता है। ट्रांसवर्सली का मतलब बता चुके हैं, परपेंडिकुलर ऐसा लाई करता है, तो आपका जो वाटरफॉल फॉर्म होता है वो आपका कुछ ऐसा दिखता है। और एक एग्जांपल इसका ये नियाग्रा फॉल है। ठीक, वाटर एक्शन के कारण क्या क्या हो रहा है, वाटरफॉल तो बन ही रहा है, ठीक है, वाटर एक्शन के कारण वाटरफॉल बन रहा है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े अलग तरीके भी होते हैं कि वाटर एक्शन किस तरह से हो रहा है। ट्रांसवर्सली रॉक मिल रहा है तो भी वाटरफॉल बन रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा दिखता है, नियाग्रा फॉल एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर फॉल्ट लाइन्स है पहाड़ों में, क्या है फॉल्ट लाइन्स है, फॉल्ट लाइन समझ में आता है, दो ऐसा मूव कर जाए और बीच में एक गड्ढा जैसा बन जाए, दैट इज़ फॉल्ट लाइन। तो उस फॉल्ट लाइन पर वाटर जो है वो चलना चालू कर देता है, ठीक है, इसको फॉल्ट लाइन स्कार्प बोलते हैं, ये है ना फॉल्ट लाइन स्कार्प। ठीक है, आप ये देख सकते हैं फॉल्ट लाइन वगैरह इसमें दिख रहा है, ठीक है, और वाटर क्या करता है लास्ट में इरोड करता हुआ वो नीचे गिरता है। ठीक, वाटर क्या है इसका एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, कौन सा फॉल है ये, विक्टोरिया फॉल है, फॉल्ट लाइन पर से मूव करता हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा इसे फोटो में, गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा ऐसा लाइन सब दिख रहा होगा जिसमें फॉल्ट लाइन से मूव करते करते ये ऐसा गिर रहा है, दैट इज़ ये भी वाटरफॉल क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका बनने का थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मेशन का तरीका अलग है। तीसरा क्या है, वाटर प्लंजेस डाउन द एज ऑफ द प्लेटो, एक प्लेटो है उसके इस एज से निकलता है, दैट इज लिविंग स्टोन फॉल्स, इसका एक एग्जांपल है। अपना झारखंड में भी ये प्लेटो वाला जो एज ऑफ जो प्लेटो से निकलने वाला वाटरफॉल है काफ़ी दिखता है। ठीक है, हैंगिंग वैलीज वेयर फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पे हैंगिंग वैलीज जो है वो फॉर्म होता है, ये योसेमाइट फॉल। अब हैंगिंग वैली क्या होता है, ठीक है, हैंगिंग वैली क्या होता है मित्रों, यहाँ पे जो आपका जो ये वैली वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे एक छोटा सा वैली बनता है, ठीक है, जहाँ से पानी गिर रहा होता है ना वहाँ पे ये छोटा सा वैली कव आउट करता है, दैट इज़ कॉल्ड हैंगिंग वैली, और वो उसको योसेमाइट फॉल बोलते हैं। आप यहाँ पे इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है, अब आ जाइए मिडिल केस पे। ठीक है, मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि वो बार बार मेरे को ना ऊपर नीचे करने में तकलीफ दे रहा है, तकलीफ से बचते हैं और इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा ही सा बचा हुआ, ज़्यादा नहीं बचा हुआ। मिडिल कोर्स में क्या होता है कि लेटरल कोरोजन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, उसमें साइडवेज ज़्यादा मूवमेंट मारने लगता है। ठीक है, वी से वैली जो है वो वाइडन हो जाता है, पहले कैसा था ऐसा था, अभी क्या हो जाता है ऐसा होने लग जाता है, ठीक है, साइडवेज ये होने लग जाता है। अभी भी वर्टिकल ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन कम हो गया है, ठीक है, वर्टिकल पहले ज़्यादा था फिर थोड़ा कम हुआ, लेटरल पहले जीरो था अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ, लास्ट में लेटरल पूरा मैक्सिमम हो जाएगा, वर्टिकल जीरो हो जाएगा। ठीक, वाटर वॉल्यूम यहाँ भी इंक्रीज़ होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हमको ऐड होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ भी स्पीड आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे आप मिडिल कोर्स में, वैसे इंडिया में तो क्या ना कि गंगा में इतना नहीं दिखता है, गंगा में तो काफ़ी डिपोजिशन हो चुका है, इतना नहीं दिखता है अब, बट आप साउथ के रिवर्स में चले जाइए, साउथ स्टेट्स के रिवर्स, उसमें आपको मिडिल कोर्स में काफ़ी कुछ वहाँ पर दिखेगा। ठीक है,
मीएंडर्स, लैंडफॉर्म्स क्या क्या बनते हैं, मीएंडर्स। मीएंडर्स क्या होता है, मीएंडरिंग क्या होता है, मीएंडरिंग इज ये सांप जैसा जो मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड मीएंडरिंग। ठीक है, तो मीएंडर्स का फॉर्मेशन जो होता है ये हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या, रिवर क्लिफ्स एंड स्लिप ऑफ स्लोप्स। ठीक, तो रिवर क्लिफ एंड स्लिप ऑफ स्लोप्स क्या होता है कि ये जो पानी इधर से आ रहा है तो इधर टक से मारेगा, है ना, इस वाले दीवार पर टक से मारेगा, तो यहाँ पे एक क्लिफ जैसा बनता है। क्लिफ्स किसको बोलते हैं, ये क्लिफ्स है, यहाँ पे कोई खड़ा है, दिस इज कॉल्ड क्लिफ। ठीक है, तो यहाँ पर टक से मारता है और ये ऐसा निकलता है, ये फिर यहाँ टक से मारेगा। ठीक है, ये घूम के आएगा फिर यहाँ टक से मारेगा, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा हिट मार रहा है तो ये वाला पोर्सन पर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन मारेगा और यहाँ पर क्लिफ नहीं बन करके यहाँ पर स्लोप जैसा बनेगा, ऐसा स्लोप बनेगा। ठीक है, पानी इधर से फ्लो होकर आ रहा है और जिधर ये टक से मार रहा है, तेज मार रहा है, वो जगह क्या हो जाएगा, क्लिफ जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा लगेगा कि ये कुछ ऐसा इधर दिखेगा और ये पानी यहाँ से इसको टक से मारता है और इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है और यहाँ पर क्या होगा, आपस स्लोप जैसा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पर है, यहाँ फोर्स नहीं है तो यहाँ पर आपको स्लोप दिखता है, और जहाँ पर दोनों साइड फोर्स नहीं होता वहाँ तो आपको दोनों साइड ही ऐसा दिखता है ना। आप किसी भी प्रयाग हो गया या बनारस हो गया या फिर कहीं से भी आप चले जाइए, आपको मोस्टली यही दिखेगा कि स्लोप ऐसा गया है, पानी है बीच में, स्लोप ऐसा गया है क्योंकि वहाँ पर इतना फोर्स नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा ऊपर आते हैं, समवेयर हरिद्वार से ऊपर, ऋषिकेश ऊपर चले जाइए वहाँ, ठीक है, देव प्रयाग ये सब में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको दिखता है कि एक साइड जिधर वो मार रहा है उधर आपको क्लिफ फॉर्मेशन हो रहा है और जिधर नहीं मार रहा उधर वो स्लोप जैसा दिख रहा है, सैंडी सैंडी भी बीच दिखता है अपने को। ठीक है, इंटरलॉकिंग स्पर, अगला टर्न क्या है, इंटरलॉकिंग स्पर। इंटरलॉकिंग स्पर क्या होता है कि माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं ये ऐसा होता है, ठीक है, अब इसको समझना क्या है कि ये जो पानी है, ये जो पानी आ रहा है वो पहले इसको गोल बनाएगा, फिर इसके आगे आगे से निकलेगा, फिर इसके आगे से निकलेगा, ऐसे करके, तो ये क्या हुआ, इंटरलॉक बन रहा है ना, ऐसा माउंटेन था, ऐसा माउंटेन था, तो पानी क्या ऐसे करके, ऐसे करके चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मीएंडरिंग जो है उस कारण से नहीं हो रहा है कि उसको जैसा वो प्लेन्स में होता है या मिडिल स्टेज में जैसा हम जनरली देखने के लिए मिलता है, इंटरलॉकिंग स्पर के कारण मीएंडरिंग यहाँ पर हो रहा है, जो सांप जैसा बन रहा है, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं था ना, रास्ता तो पहाड़ के बेस से मिलेगा, पहाड़ क्या है, एक पहाड़ का बेस यहाँ, एक पहाड़ का बेस यहाँ है, तब इसको निकलना है किसी को, तो सीधा तो नहीं निकल सकता, तो ये पहाड़ को ऐसे राउंड लगाएगा, फिर इसके आगे से ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे निकलता चला जाएगा, दैट इज इंटरलॉकिंग स्पर। ठीक है, आप ये फोटो में देख सकते हैं कि ये पानी ऐसा करके बह के जा रहा है। ठीक है मित्रों, अब ये एक्चुअल एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें अगर फोटो आप देखेंगे तो इसका बेस ऐसा है, इसका बेस ऐसा है, इसका बेस ऐसा है, इसका बेस ऐसा है, तो पानी क्या ऐसे करके निकल के बहता हुआ जा रहा है। ठीक, लास्ट कोर्स पर आ जाते हैं, लास्ट कोर्स में क्या होता है, मोस्टली डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वाटर कंटेंट इज इंक्रीज ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ द ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, यहाँ भी ट्रिब्यूटरीज किसी किसी में आते हैं, अब जैसे गंगा है तो गंगा में भी लोअर कोर्स में अब देखते हैं, बंगाल में ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर उधर नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे रिवर्स आकर के मिलते हैं वहाँ पे गंगा में, तो वहाँ भी वाटर कंटेंट इंक्रीज ही होता है। दूसरा इंक्रीज होने का और भी कारण है कि उसको जो अभी उसका ड्रेनिंग का फेज आ चुका है, उसका जो स्लोप है वो घट चुका है। ठीक है ना, स्लोप घट चुका है तो वाटर अगर ड्रेन तेज होता है तो वाटर का वॉल्यूम कम होता है, वाटर अगर ड्रेन स्लो होता है तो वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ड्रेनिंग का स्पीड भी स्लो हो चुका है, इसलिए वाटर कंटेंट वहाँ पर अपने को कम देखने के लिए मिलता है। कोर्स मटेरियल को वो क्या करता है, ड्रॉप कर देता है और फाइन मटेरियल को क्या करता है, माउथ ऑफ द रिवर तक लेकर चला जाता है। अभी उसका स्पीड जो है वो स्लो हो चुका है तो भारी भरकम जो लेके आ रहा होगा वो माउथ के जो लोअर पार्ट है उसके इनिशियल में ही ड्रॉप कर दिया होगा, और माउथ नहीं मतलब लोअर कोर्स का जो इनिशियल पार्ट होगा वहीं पर वो ड्रॉप कर देगा हैवी चीज़ों को, और लोअर पार्ट के जो माउथ वाला सेक्शन होगा जहाँ पे वो समुद्र में मिल रहा होगा वहाँ पर वो फाइन ले जाकर ड्रॉप करता है। अब वो फाइन पार्टिकल जो वहाँ ड्रॉप करता है वो कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फीचर आता है कि वो माउथ पे बाद में आते हैं, माउथ से पहले क्या क्या क्रिएट करता है वो देखते हैं। फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स क्या होता है कि फ्लड प्लेन्स होता है जब भी बारिश का मौसम होगा या पानी ज़्यादा होगा नदी में, तो वो जो नॉर्मल उसका जो साल भर का जो लिमिट था पानी का उससे वो एक्सपैंड करता है।
ठीक है, साल भर हो सकता है इतने दूर में पानी बह रहा हो, और जुलाई अगस्त के महीना या अगर सितंबर तक के महीने में क्या होता है कि इतना दूर से बह रहा हो, तो ये एक्स्ट्रा जो दो साइड था ना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड प्लेन, जहाँ पर फ्लड के टाइम में पानी चढ़ता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड प्लेन। ठीक है, तो डिपोजिशनल फीचर ड्यूरिंग फ्लड प्लेन एंड लेविज डिपोजिशन ऑन साइड्स ऑफ इट्स नेचुरल कोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पानी क्या है कि बरसात के मौसम में पूरा पानी भरा हुआ मिलेगा, नहीं तो जनरली क्या है कि इतना ही दूर फ्लो कर रहा था, यहाँ पर क्या होता है डिपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या है कि फ्लडिंग का अगर हमको रोकना होता है ना, तो ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं उस पर आर्टिफिशियल इम्बार्कमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कोई नदी है तो नदी से कुछ दूर हट करके फ्लड प्लेन होता है, फ्लड प्लेन के एकदम बाउंड्री पर क्या करते हैं ना कि ऐसा नहर जैसा कुछ, नहर जैसा नहीं बोलेंगे, छोटा सा हिल भी नहीं बोलेंगे, छोटा सा ऊंचा हुआ ये बना देते हैं, मतलब बैरिकेड टाइप का बना देते हैं मिट्टी डाल डाल करके। ठीक है, काफ़ी जगह पर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप ये समझिए कि जहाँ फ्लड प्लेन खत्म होने को होता है, ठीक है, उसके बाद बसाहट चालू होता है, फ्लड प्लेन के बाद लोग रहना चालू कर देते हैं, तो वो जो लोग रहना चालू कर देते हैं तो उन बीच में जो, चूंकि उनके पास पानी ना चला जाए, तो बीच में एक मिट्टी डाल के बैरियर क्रिएट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आ जाता है ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल या फोटो से देख सकते हैं, ये जो ऐसा ऐसा है ना जो टूट फूट के ऐसा बह रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रेडेड चैनल। गंगा में आप ये बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। ऑक्सबो लेक, मोट लेक क्या होता है कि जो अपने अपन ने क्या देखा था, मेंडरिंग देखा था, राइट। तो होता क्या है कि ये जो फोर्स था वो इस पार्ट को हिट कर रहा होगा, है ना, इस पार्ट को हिट करते 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 क्या होगा कि ये इरोज होते होते ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये पानी क्या होगा यहाँ से ये फ्लो करके आगे निकल जाएगा, और ये वाला सेक्शन जो है ये कट ऑफ हो जाएगा, तो कुछ टाइम इसमें क्या होता है पानी रहता है इस वाले पोर्शन में, तो इसको हम लोग क्या ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ऑक्सबो, ये ऑक्स का ये ऐसा कुछ शेप होता है, ऑक्स मतलब ऑक्स के में कुछ ऐसा लगाते हैं गला वाला में या पता नहीं कहाँ, तो वैसा कुछ शेप होता है। ठीक है, इसको और कट ऑफ बोलते हैं, बेआउट्स बोलते हैं मिसिसिपी बेसिन में, ये जनरली उसके बाद धीरे धीरे वो सैम बन जाते हैं, मार्सी बन जाते हैं और मर जाते हैं, मतलब सूख होकर उड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या डेल्टा। डेल्टा अब क्या हो गया, हम लोग इनिशियल फेज पे देख लिया, अभी हम लोग माउथ वाले फेज पे आते हैं। माउथ वाले फेज पे क्या हो, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। डेल्टा का फॉर्मेशन जो होता है, पहला चीज़ उसमें ये आपको ये ध्यान देना है कि अलग अलग शेप में फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, बस ख़त्म ही है, 5-7 मिनट और लगेगा। ठीक है, डेल्टा है, ठीक, डेल्टा में फैन शेप हो सकता है, ट्रायंगलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज आ जाते हैं, इस कारण से भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मतलब इस वाले सेक्शन में जब माउथ वाला सेक्शन पहुँचते हैं, वहाँ पर अपने को डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने के लिए मिलता है, और वो भी डेल्टा फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो डेल्टा फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या क्या फिजिबल है, टाइडलेस एरिया होना चाहिए। टाइडलेस अगर एरिया कहने का मतलब है टाइड अगर ज़्यादा वहाँ पर आएगा तो वो जो मटेरियल डिपॉजिट करेगा उसको लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो टाइडलेस एरिया होना चाहिए, सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, शैलो रीजन होना चाहिए, मतलब ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, लार्ज लेक्स नहीं होने चाहिए, नो स्ट्रॉन्ग करेंट्स होना चाहिए। ये सब क्या करेंगे, नो स्ट्रॉन्ग करेंट होगा तो उसको तोड़ फोड़ देगा, लेक्स वगैरह होगा तो उसमें वो धंस जाएगा। ठीक है, तो ये सब उसके फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, दो दो चार तरह का शेप है। बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी रिवर बनाती है, अर्कुएट डेल्टा फैन शेप्ड जो है, अर्कुएट मतलब फैन शेप्ड है, याद रखिएगा ये दो वर्ड। ठीक है, ये नाइल गंगा मेकोंग ये रिवर्स बनाती हैं। एस्टुराइन डेल्टा जो है, एस्टुराइन इज थोड़ा डिफरेंट, आते हैं उस पर, अमेजन ओबी और विस्टुला रिवर बनाती है। कस्पेट जो है टूथ लाइक, कस्पेट इज लाइक दिस, ठीक है ना, वो आपको एब्रो ऑफ स्पेन बनाती है। ठीक ठीक है, एस्टुराइन क्या होता है कि एस्टुराइन एस्टुअरी जो होता है ना, डेल्टा और एस्टुअरी थोड़े अलग अलग चीज़ होते हैं। डेल्टा वहाँ बनता है जहाँ पर टाइडलेस होता है, एस्टुअरी क्या होता है कि वहाँ पर डिपोजिशन नहीं हो पाता है और वो जो भी मटेरियल नदी लेके आती है, ठीक है, वो बह के निकल जाता है। जनरली जो आपके वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न साइड पर जो नदी हैं वो सारे कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं करते, और जितने भी ईस्टर्न साइड वाले अपने कंट्री में हैं वो सारे डेल्टा फॉर्म करते हैं। कारण यही है कि वहाँ पर एस्टुअरी देखने के लिए मिलता है अपने को। एस्टुअरी देखने के मतलब मिलता है कि ये जो एक होता स्लाइड, ऐसा ऐसा स्लाइड कर रहा हो तो यहाँ पर डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है। दूसरा होता है कि पानी आया और ऐसे गिर गया तो यहाँ पर एस्टुअरी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो फिर भी अगर एस्टुराइन फॉर्म होता है, मतलब ये कमज़ोर जैसा फॉर्म होगा, ये एस्टुअरी वाला था, एस्टुराइन डेल्टा भी फॉर्म होता है कहीं कहीं पर, मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिपॉजिट होता हो, तो उसको हम एस्टुराइन डेल्टा बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल अमेजन ओबी और विस्टोला रिवर है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आप शेप देख सकते हैं, कस्पेट का ये शेप है, ये कस्पेट का शेप है। बर्ड्स फुट, आपको बर्ड्स फुट जो आपको अभी पढ़ा था वो शेप आप इसमें देख सकते हैं। अर्कलेट अपना गंगा वाला ऐसा ही दिखता है, और मोटा मोटी ये तो आपको समझ में आता है कि डेल्टा कैसा फॉर्म हो रहा है।
रिजुविनेशन दो छोटे छोटे टॉपिक है। रिजुविनेशन में क्या होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले तो स्टर्म का मतलब होता है कि ये फिर से जो लीवर है वो बूढ़ा होते होते जवान हो जाए। जवान कैसे हो सकता है? नेगेटिव मूवमेंट से। नेगेटिव मूवमेंट कैसे होगा? दो कारण है उसके, इस नेगेटिव मूवमेंट के। पहला अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, या फिर फॉल ऑफ सी लेवल। दोनों ही केस में क्या होगा कि स्लोप जो है वो स्टीप होगा और एक्टिव डाउन कटिंग यहाँ पर चालू हो जाएगा। होता क्या है कि मान लीजिए कोई पानी ऐसे बह रहा था, ठीक, अभी ये स्लो हो चुका है इसका स्पीड, अभी यहाँ से ज़मीन जो है इतना लंबा चौड़ा ज़मीन जो है वो नीचे की ओर मूव कर जाए, तो अचानक से इसको क्या मिल, हाइट मिल जाएगा गिरने के लिए, ठीक है। पीछे तो नहीं चला गया, इसको हाइट मिल जाएगा नीचे जाने के लिए, पानी को नीचे मूव करने के लिए। जैसे उसको हाइट मिलेगा तो अगेन MGH पोटेंशियल एनर्जी करने के एनर्जी तेज देगा उसको और वो डाउनवर्ड कटिंग वो चालू कर देगा, ठीक है। सी लेवल से कैसे होता है कि मैंने आपको बताया था कि जब ये पानी जो है वो सी के आसपास, सी में मिलने के लिए जाता है, तो यहाँ पर वाटर का स्पीड स्लो हो जाता है क्योंकि इधर से भी उसको उतना ही लेवल मिल रहा होता है। वाटर का स्पीड तभी होगा ना जब आगे उसको खाली मिलेगा। वाटर का स्पीड ज़्यादा कम क्यों हो रहा था? क्योंकि समुद्र मिल रहा था, समुद्र का पानी का हाइट बढ़िया खासा था, तो वाटर भी है वो धीरे धीरे मूव कर रहा था इसमें, ठीक। लेकिन अगर वाटर सी लेवल अचानक से नीचे गिर जाए तो इसको क्या मिलेगा? अच्छा देखेगा, अरे यार मेरे पास तो खाली जगह मिल गया, धम, ठीक। दोनों ही केस में अंडर कटिंग और डाउन कटिंग जो है वो चालू हो जाता है, स्लोप जो है स्टीपन हो जाता है। तो फॉल इन सी लेवल लीव्स फ्लड प्लेन्स एट इंक्रीज एल्टीट्यूड, टेरेसेस आर फॉर्म्ड एंड ग्रेडेड प्रोफाइल विथ रैपिड्स और नीक पॉइंट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहने का मतलब है कि ये अगर समुद्र का हाइट अगर नीचे चला जाए तो ये वाला जो पोर्शन था, फ्लड प्लेन वाला जो एरिया था, वो आपको समुद्र के कंपेयर में ऊपर लगने लग जाएगा ना, वही यहाँ कहना चाह रहा है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट पे आ जाते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट, हाँ, एक और चीज़ है, रिजर्वेशन इज अपर कोर्स लीड्स टू स्टीप गॉर्जेस, इन मिडिल कोर्स वर्टिकल कोरोजन स्ट्रेंथेंस, ठीक है। फॉर्मेशन लोड कोर्स वाला तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। ये कोलोराडो रिवर वाला है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अपर कोर्स में क्या हो रहा है, स्टीप गॉर्जेस बन रहा है, मिडिल कोर्स में क्या बन रहा है, वर्टिकल बन रहा है। स्टीप कहने का मतलब वी शेप, थोड़ा और कटिंग कन्वर्टिंग कर जाएगा। मिडिल में भी क्या होगा, वर्टिकल कोरोजन बढ़ जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली लैंड जो है वो नीचे जा चुका है, या फिर तो उसका कटिंग ज़्यादा चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पॉजिटिव मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट में क्या होता है कि अगर ये पानी जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए नदी बह रही थी, अभी सी लेवल पहले यहाँ पर था, अभी सी लेवल यहाँ पहुँच जाए तो ये क्या होगा, सी लेवल जैसे ही ऊपर उठेगा पूरा ये सब पानी पानी हो जाएगा, ठीक है ना, नदी भी थोड़ी देर के लिए ढक जाएगा, जो कि होने वाला है भविष्य में, पूरा बांग्लादेश पानी में घुसने वाला है मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्लाइमेट चेंज कह रहा है। ये डिप्रेशन ऑफ लैंड और राइज इन सी लेवल, सबमर्ज लैंड अलोंग द कोस्ट एंड वीकेन द इरोडिंग पावर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अब नदी अपना अस्तित्व भी लूज कर जाए तो मतलब पानी, समुद्र का पानी ऊपर आ जाए तो वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, लैंड सबमर्ज हो गया तो कटिंग, इरोजन, डिपोजिशन सब वहाँ गायब हो जाता है, ठीक। दोस्त आज ये बहुत परेशान कर रहा है, एक मिनट, ठीक है। मतलब लास्ट पार्ट है ह्यूमन एस्पेक्ट्स की, रिवर से में क्या ह्यूमन एस्पेक्ट होते हैं कॉमर्स के लिए। चीफ हाईवेज, वाटरवेज जो हम लोग बोलते हैं, डलू वाटरवे 1, वाटरवे 2, जो अपन ने मोदी सरकार ने 14, 15, 16 के बाद से शुरू किया है कि पानी भी जो है वो अपन यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा स्टेप था वो, क्योंकि अब आज़ादी के बाद से मैंने नहीं सुना था कि लोग तो ट्रैवल करते थे पानी में नौका वौका, लेकिन कमर्शियल पर्पस पे यूज़ नहीं हो रहा था, तो अभी वो शुरू कर दिया है। दूसरा नेविगेबल जो होता है, जैसे अमेजोन इज़ द ग्रेटेस्ट नेविगेबल रिवर रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नाइल, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, ये सब जो है नेविगेबल रिवर है जो आप कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। एक तो कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं, आप खुद भी तो जा सकते हैं बनारस से, आप समझिए प्रयागराज जो है वो पहुँच सकते हैं पानी पानी से, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है कि अगर कोई कहीं पर डेल्टा एरिया है तो पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता। अब डेल्टा एरिया में क्या है, डिपोजिशन हो रहा है,
अभी शिप्स को चलने के लिए क्या चाहिए? शिप्स को चलने के लिए चाहिए पानी। अब वहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है तो वो जो पानी वहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगा सिर्फ वहाँ अटकने लग जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है डेल्टा एरिया इज नॉट गुड फॉर पोर्ट्स। स्टैगनेंट वाटर लीड्स टू वाटर बॉर्न डिजीजेस। ये तो अपने क्लियर ही है, स्वयं भी मार्शी एरिया में वाटर बॉर्न डिजीज होने लग जाता है, डेंगू वेंगू टाइप का। साइट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो सकता है, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिचेस्ट एग्रीकल्चर एरिया होता है, एलुवियल प्लेन का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, गंगा डेल्टा में जूट प्रोडक्शन, नाइल डेल्टा में कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब अपने को देखने के लिए मिलता है। प्रोडक्टिव हिंटरलैंड, मतलब कि नदी के आसपास का जो एरिया है वो अगर काफ़ी प्रोडक्टिव है तो वो काफ़ी अपना जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी इजी हो जाता है, और आसपास कोई पोर्ट हो तो उस चीज़ को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। फ्रेश वाटर है तो यहाँ पे फिशिंग भी अपन कर सकते हैं, मछली खाइए, मछली जल की रानी है, ठीक है। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला था नहीं। लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल बाउंड्रीज का भी, ये वाटर जो है वो काम करती है, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो ह्यूमन मेड ही है ना, ठीक है। मित्रों तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और जो भी देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करें, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं grex1192, ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर से करें, ठीक है। और जिन यहाँ पे कोई आपको मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ या आगे भी नहीं करूँगा, कोई ऐसा मुझे इससे नहीं है, जिनके पास भी अगर दिक्कत हो पढ़ने लिखने का तो एजुकेशन फ्री है, आप उन्हें उनको उन तक मुझको पहुँचाइए, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है मित्रों। चलिए धन्यवाद, थैंक यू एंड टाटा।